हेलो फ्रेंड्स, गौरव इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं मारुति के शोरूम पे अरेना, मारुति सुजुकी अरेना। तो अभी हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, मारुति सुजुकी स्विफ्ट एलेक्साई मॉडल है ना सर? जी एलेक्साई, एलेक्साई। तो फ्रेंड्स, एलेक्साई मॉडल है जो कि बेस मॉडल आता है स्विफ्ट के अंदर। तो इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई भी है मारुति की जेन्युइन वाली ना, जो मारुति की जेन्युइन वाली है, एमजी वाली ना। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर टोटली जो मॉडिफिकेशन हुई हुई है इस गाड़ी के अंदर, टोटली एमजी मारुति की ओरिजिनल वाली जेन्युइन एसेसरीज इंस्टॉल हुई हुई है जो, और इसके अंदर आफ्टर मार्केट कोई एसेसरीज इंस्टॉल नहीं कराई गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मारुति की कार में, मतलब ओरिजिनल एसेसरीज लगवाने के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। तो अभी मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ जो यहाँ पे सर है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशेष प्रिंस। विशेष, अच्छा सर, सबसे पहले आप इसकी डिटेल बताइए, इसमें क्या क्या काम कराया हुआ है सर? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे स्टैंडर्ड में अलॉय व्हील्स नहीं आते। अच्छा, अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर अलॉय व्हील नहीं आते हैं? अलॉय व्हील नहीं आते। अच्छा, तो ये टॉप मॉडल में आता है, ZXi प्लस में? जी सर, ये ZXi प्लस में आता है। अच्छा अच्छा, तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं। और क्या काम कराया हुआ है? क्रोमिंग ORVM। क्रोमिंग ORVM, अच्छा, काफी अच्छी लुक देते हैं। अच्छा, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे ब्लिंक वो नहीं है ना? और इंडिकेटर, इंडिकेटर लाइट नहीं है? इंडिकेटर लाइट नहीं है। एलेक्साई मॉडल के अंदर इंडिकेटर आती नहीं है ना? अच्छा, ये और यहाँ पे ये क्रोमिंग हैंडल है। ये क्रोमिंग हैंडल है। अच्छा, और यहाँ पे आईपो, ये कवर है। तो इसके बाद साइड बेडिंग। अच्छा अच्छा, और साथ में स्पॉइलर है। अच्छा, स्पॉइलर बेस मॉडल में तो आता नहीं है जी। और आपको लस्सी लगाना पड़ता है। वैसे आप ये बताएंगे इसकी स्पॉइलर की क्या कॉस्ट रहती है? सर, इसकी कॉस्ट जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये स्पॉइलर भी इंस्टॉल कराया गया है जो कि एलेक्साई मॉडल के अंदर नहीं आता है, और ओरिजिनल ही ये मारुति कंपनी का है जो यहाँ पे एसेसरीज मिलती है। 2500-3000 रुपये करीब का आता है, 2500-3000 का। और जो इसके अंदर एलॉय व्हील लगाए गए हैं सर, एलॉय व्हील की क्या कॉस्ट है? सर, जो पर एलॉय व्हील है वो आपका कम से कम 5-6000 रुपये करीब का होता है पर एलॉय व्हील। फ्रेंड्स, अगर आप, अच्छा, सेटअप आता है पांच आता है सेट। अच्छा, तो मतलब अभी जो ये गाड़ी परचेज करेंगे हम, तो इसके साथ पांच एलॉय मिलेंगे जी? हाँ, विद स्टेपनी के जी। अच्छा, तो फ्रेंड्स अगर आप इसको परचेज करते हैं अलग से, तो कितनी कॉस्ट बताई थी आपने पर पीस की? पाँच से छः हज़ार रुपये। अच्छा, तो फ्रेंड्स अगर आप इसको लेना चाहेंगे अलग से, अगर लगवाना चाहेंगे कोई और, मतलब स्विफ्ट में आपके पास अगर कोई दूसरा वाला मॉडल है, तो ये 5-6 हज़ार रुपये का पर पीस पड़ेगा आपको मारुति के अंदर। और हम आपको इसके इंटीरियर से लुक चेकआउट करा देते हैं, मैं आपको पहले ही दिखाना चाहूँगा। देखिए, इसमें क्रोम ये गार्निश भी इंस्टॉल है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। बेस मॉडल के अंदर सर ये क्रोम गार्निश तो आती नहीं है ना? है ना, ये भी इंस्टॉल है ना? और ये डोर वाइज ना? ठीक है। और अभी हम आपको इंटीरियर से लुक चेकआउट करा देते हैं फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ये सर, इंटीरियर में क्या क्या काम कराया गया है? इंटीरियर में हमारा जो फुट लाइट है वो लगी हुई है। अच्छा, फुट लाइट जी, ये ब्लू कलर की जलती है। ये गेट बेस मॉडल में नहीं आती, ये हमने अलग से लगवाई हुई है। अच्छा, बेस मॉडल के अंदर नहीं आती है। और आपका एलईडी स्क्रीन है? एलईडी स्क्रीन है ये इस वाले मॉडल की। आपका जो नॉर्मली आता है वो आपका कम से कम ये 15-16 हज़ार रुपये करीब का आता है। 15-16 हज़ार रुपये का अगर लगवाते हैं तो? लगवाते हैं तो अलग से। अच्छा अच्छा, और बताइए और क्या काम कराया गया है इसके अंदर? सीट कवर लगे हुए हैं फिलहाल तो नॉर्मली। सीट कवर तो कोई ज्यादा सिंपल ही है? सिंपल। अच्छा अच्छा, आपका स्टीयरिंग कवर है? अच्छा, स्टीयरिंग कवर ये भी सिंपल वाला है? ये भी सिंपल है, है ना, वो वाला नहीं है, OEM वाला जी जी। अच्छा, और अगर सर आप थोड़ा सा ऊपर मॉडल में जाएंगे तो इसमें आपको स्टीयरिंग पे क्रूज कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, लेकिन फिलहाल इसमें नहीं है। अच्छा, क्रूज कंट्रोल नहीं है इसके अंदर, ये आपका नया ही सेटअप है। अच्छा, जो एलेक्साई से ऊपर कौन सा? VXi। VXi में मिलता है क्रूज कंट्रोल? हाँ मिलता है। अच्छा, मिलता है VXi में क्रूज कंट्रोल मिलता है, ठीक है। और इसकी कितनी कॉस्ट है? ये सीट कवर जो इसमें लगाए गए हैं सर, सीट कवर सही आपका 6000 रुपए का? 6000 रुपए का, ठीक है। और इसमें पावर विंडो चारों पे? तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं चारों पावर विंडो भी मतलब इंस्टॉल कराए गए हैं कंपनी की तरफ से। सारा काम मारुति की तरफ से हुआ हुआ है, कोई भी काम इसके अंदर आफ्टर मार्केट नहीं हुआ हुआ है। अगर आपको आफ्टर मार्केट कोई काम नहीं कराना है अपनी गाड़ी में, बिल्कुल आपकी ब्रांड न्यू कार है, तो कंपनी से आप मतलब ये सारा काम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सब आप करा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, बताइए सर, ये आपके साथ बैकलाइट क्या कहते हैं कवर है जो आपके थोड़ी सी लुक के लिए होती है बस। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी आपका ये क्या कहते हैं बम्पर कवर है, बम्पर प्रोटेक्टर जी। अच्छा, और ये आपका बैक क्रोम है,
अच्छा क्रोम कैमरा लगा हुआ है। अच्छा इसके अंदर कैमरा भी लगा हुआ है, बैक सेंसर। ये तो कंपनी की तरफ से आता है ना, ये वाले कंपनी की, ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन कैमरा आपका मॉडिफाई है। अच्छा कैमरा मॉडिफाई, कैमरा कौन सा है ये वाला? नाइट विजन है, मतलब कौन सा नाइट विजन है? अच्छा मूविंग तो होगा नहीं ना? नहीं मूविंग नहीं होगा। अच्छा मूविंग नहीं है, अच्छा अच्छा होगी तो अपना भी मूव होगा। हाँ जी हाँ जी। फ्रंट पे बताइए सर, इसमें फ्रंट पे क्या काम कराया गया है? फ्रेंड्स हम इसके गाड़ी के फ्रंट पे आ चुके हैं, आप गाड़ी के लुक चेकआउट कर सकते हैं अभी फ्रंट से कि गाड़ी की लुक अभी इस टाइम पे कैसी आ रही है। बेस मॉडल में आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ ये, जो कि इसमें कंपनी की तरफ से ओरिजिनल एसेसरीज की इंस्टॉल करी गई है कंपनी की तरफ से। अभी हम इसका डिफरेंस बता देते हैं फ्रंट से। सर बताना बेस मॉडल में क्या क्या नहीं आता? सर आपके गार्निश नहीं आती फ्रंट की, ब्लैक कलर की जो है, ठीक है। आपकी क्रोम नहीं आती, फॉग लाइट नहीं आती। अच्छा फॉग लाइट नहीं आएगी, ठीक है। और साथ में आपका क्या कहते हैं बम्पर नहीं आएगा, ये हमारे एसेसरी का पार्ट है। अच्छा जब लाइट ऐसी के ऐसी आएगी एज इट इज। अच्छा कोई और उसमें जो ऊपर वाला मॉडल है VXI वाला, वो भी लाइट ऐसी मिलेगी? जी हाँ सेम मिलेगी। अच्छा और इसमें ये फ्रंट में ग्रिल जो है जी, फ्रंट की ग्रिल सर ग्रिल सेम रहेगी, ग्रिल सेम रहेगी, क्रोम में रहेगी, क्रोम में रहेगी। अच्छा अच्छा तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी हमने आपको डिफरेंस बता दिया है इसमें जो मतलब बेस मॉडल आता है और जो सर ने यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो ओरिजिनल OEM वाली इसमें एसेसरीज इंस्टॉल है। तो आप लुक चेकआउट कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं गाड़ी का। अभी मैं आपको फ्रंट से लुक चेकआउट करा रहा हूँ कि देख सकते हैं कि फ्रंट से गाड़ी की लुक कितनी सारी इन्हेंस हो चुकी है अभी इस टाइम पे। अभी मैं इसकी जो कॉस्टिंग आई है टोटल गाड़ी के अंदर और जो अभी इसके अंदर मतलब गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है विद एसेसरीज के साथ, वो भी मैं अभी आपको प्रॉपर डिटेल के साथ शेयर करूंगा। तो अभी हम सर से कुछ बात कर लेते हैं एसेसरीज की कॉस्टिंग के बारे में। सर ये जो इसके अंदर लिस्ट लगाई गई है ये किस चीज़ की लिस्ट है? सही हमारी जो मॉडिफाई हुए हैं, जो हमारी एसेसरी लगी है वो हमारे 40 नहीं 41 आइटम लगे हुए इस गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी के अंदर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। कॉस्ट हमारी 120,000 रुपये बैठती है टोटल एसेसरीज की कॉस्ट, टोटल एसेसरी। तो फ्रेंड्स मैं भी आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ये पहली एसेसरी सीट कवर मैटिंग सेंट्रल लॉक फोर डोर पावर विंडो स्टीरियो टच स्पीकर फोर डोर कैमरा साइड मोल्डिंग डोर वाइजर फ्रंट बम्पर गार्निश डिक्की गार्निश स्पॉइलर टेल लैंप गार्निश बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर फ्रंट ग्रिल गार्निश फोग लैंप गार्निश बॉडी कवर ORVM गार्निश सी पिलर गार्निश नियॉन लाइट, ये नियॉन लाइट, ये नियॉन लाइट जो ब्लू कलर की, अच्छा मड फ्लैप विंडो फ्रेम किट व्हील कवर, ये व्हील कवर इसमें तो एलॉय है ना? इसमें एलॉय है लेकिन व्हील कवर लिखा हुआ है। अच्छा व्हील कवर लिखा हुआ है। टिश्यू बॉक्स सब मिलेगा। अच्छा ये वो मतलब जैसे कोई कोई अगर लगी भी नहीं है तो वो तो साथ में मिलेगा जब गाड़ी परचेज करेंगे तो। टिश्यू बॉक्स कर्जन ये क्या है स्टेयरिंग कवर, अच्छा ये थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है। डिकी मैट एलॉय व्हील एलॉय सेंटर कैप पीक टेल वॉल कैप टेम्पल परफ्यूम मोबाइल होल्डर ऑक्स मोबाइल चार्जर डोर गार्ड हैंडल क्रोम डिग्गी गार्निश टोटल 120,000 रुपये। अच्छा टोटल प्राइस जो मॉडिफिकेशन की है इसके अंदर 120,000 रुपये के। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, जो अभी ये LXI मॉडल है अभी जो फ्रेंड्स मैं भी आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, अभी जो मैं आपको ये गाड़ी दिखा रहा हूँ ये मेरठ के अंदर दिखा रहा हूँ, मेरठ में शोरूम पे मैं दिखा रहा हूँ ये गाड़ी, तो इस यहीं की मैं भी आपको ऑन रोड प्राइस और इसकी जो भी मतलब कॉस्टिंग है वो भी आपसे इसी मेरठ के अंदर के कॉस्टिंग शेयर करूँगा। तो सर अभी अगर हम इसको विदाउट मॉडिफिकेशन गाड़ी परचेज करते हैं ये LXI बेस मॉडल कितने की ऑन रोड पड़ेगी? पेट्रोल में ही आती ना गाड़ी तो? सही है पेट्रोल में। अच्छा सही है, पड़ेगी आपकी 673,000 रुपए की। 673,000 रुपए की मतलब आफ्टर डिस्काउंट या मतलब कैसे कुछ डिस्काउंट वगैरह? बिफोर डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपका इसमें 10,000 का हो जाएगा। अच्छा इसमें डिस्काउंट हो जाएगा जो आपने बताया 673,000 विदाउट डिस्काउंट के साथ। अच्छा ठीक है। और इसके अंदर मतलब अभी ये जो आपने एसेसरीज की डिटेल आपने शेयर करी है हमसे तो इसमें ऐड हो जाएगी प्लस 673,000 रुपये 120,000 रुपये। अच्छा अच्छा तो सर सारी कंपनी की एसेसरीज है ना इसके अंदर? जी। अच्छा अच्छा जेन्युइन एसेसरी है MG। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जो हमारी मारुति प्रोवाइड कराती है, जो मारुति प्रोवाइड कराती है। अच्छा सर माइलेज कितना क्लेम करते हैं आप कंपनी का? 21 किलोमीटर जो कंपनी क्लेम करती है। अच्छा अच्छा। और बाकी जो ऑन रोड आती है वो आपकी 19 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आती है। 19 किलोमीटर के हिसाब से आती है। अच्छा और वारंटी वगैरह कितनी मिल रही है किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी के अंदर? किलोमीटर के हिसाब से जो आपकी एक्स शोरूम पर आती है वो आपकी 2 साल प्लस 40,000 किलोमीटर की आती है। 2 साल प्लस 40,000 ठीक है ठीक है। और अच्छा अगर आप एक्सटेंड वारंटी बढ़ाते हैं, एक्सटेंड वारंटी, अच्छा एक्सटेंड वारंटी का ऑप्शन है? जी हाँ बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन है। और अगर आप लेते हैं तो इस पर आपका 60,000 किलोमीटर प्लस तीन साल की होती है। अच्छा मतलब प्लस 3 साल और इंक्रीज हो जाएंगे 2 साल से अलग जी, और टोटल 5 साल और 1,00,000 किलोमीटर। 1,00,000 किलोमीटर तो उसकी कितनी कॉस्ट है एक्सटेंड कराने की?
एक्सटेंड वारंटी में बता देता हूँ आपको, सही आपका 9,300 रुपये का। अच्छा 9,300 का। तो फ्रेंड्स 9,300 रुपये में आप इसकी वारंटी भी एक्सटेंड करा सकते हैं प्लस 3 साल की। तो आपने हमारी और भैया की सारी बातें सुन ली होगी, देख ली होगी, और जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बता दिया है, स्विफ्ट LXi मॉडल दिखा रहा हूँ जिसके अंदर मतलब कंपनी की तरफ से जेन्युइन ये मॉडिफिकेशन हुई है। जो भी अगर आपको कोई भी डिटेल या कोई अगर इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको और भी डिटेल इससे रिलेटेड और अदर कार से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगा।